हेलो एंड वेलकम आज के वेबिनार के लिए। अगर आप लोग सब म्यूट पे रह सकते हो तो इजी होगा। आई थिंक एक दो जन का स्पीकर चालू है तो तो आज का टॉपिक मैंने बहुत सोच के मैंने ये टॉपिक पिक किया, क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड में और सिल्वर में कितनी दिलचस्पी है लोगों को ट्रेड करने में। एंड मेन आइडिया ये था कि आज गोल्ड के बारे में एंड सिल्वर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ और कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं दूंगा। एंड आज का टॉपिक हम सिर्फ गोल्ड पे फोकस करेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला के बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। एंड इसीलिए आज का पूरा वेबिनार हम सिर्फ गोल्ड पे फोकस करेंगे। तो मुझे हर हफ्ते जब मैं वेबिनार लेता हूँ तो मुझे हमेशा गोल्ड के बहुत सवाल आते हैं, तो आज काफी सारे सवाल और डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप सीख जाओगे कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं और फंडामेंटल्स कैसे समझते हैं गोल्ड ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है गोल्ड ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो या आपने कभी किया या आप करना चाहते हो तो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बुलबेल दुबई में हम एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आए आप लोग के लिए, एक एडवांस कोर्स। यहाँ पे आप यहाँ आ सकते हो, आप ट्रेडिंग आवर में सीख सकते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। एंड अगर उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, तो आज का जो हम वेबिनार लेंगे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये लेजिट लोग इंडिया में भी और अब्रॉड में भी ये एज अ कोर्स बेचते हैं, बिकॉज गोल्ड ट्रेडिंग बहुत ही बड़ा फील्ड है। पर मैं आज आपको ये देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सब गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा मुझे लगा। एंड आई होप आपको काफी हेल्प मिल जाए इस वेबिनार से। ठीक है, तो पहले हम थोड़े फंडामेंटल समझते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड माइनिंग सबसे ज्यादा लास्ट कुछ सालों से चाइना में हो रही है। चाइना में 300 से 350 टन साल का गोल्ड माइनिंग होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूएस भी आते हैं टॉप माइनर्स में। एंड अगर आप देखोगे जो कंट्री में ज्यादा गोल्ड माइनिंग होती है तो वहां की करेंसी में भी गोल्ड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए हम जब ऑस्ट्रेलियन करेंसी ट्रेड करते हैं तो अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जा रही है तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी पे भी इम्पैक्ट आता है। एंड जब गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तब भी ऑस्ट्रेलियन करेंसी पे फर्क पड़ता है, तो वो भी समझना जरूरी है। वो क्यों पड़ता है? बिकॉज वन ऑफ द टॉप माइनर्स इस दुनिया में गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला चलते हैं किसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक है, माइनिंग तो एक बात है, माइनिंग में तो आप हर साल माइन करके ऐड करते हो अपने टोटल में। ठीक है, पर हम उस पर पहले देखते हैं कि आज के टाइम में यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, ऑलमोस्ट 8,000 टन का गोल्ड है यूएस के पास। एंड जो सेकेंड नंबर पे आती है जर्मनी है, उनके पास 3,500 टन है। तो आप सोचो यूएस के पास ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज्यादा गोल्ड है सेकेंड हाईएस्ट वाले से। तो इसलिए यूएस की इकोनॉमी नंबर वन है आज भी, और उसका जो करेंसी है वो एक रिजर्व करेंसी है। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी और डॉलर डी वैल्यू हो जाएगा, पर आप ये सब जो सबसे ज्यादा गोल्ड भी तो यूएस के पास ही है, तो ये होना इतना आसान नहीं है। एंड ऐसा कोई प्रोसेस जो आजकल लास्ट 3-4 दिन में न्यूज में बहुत ये सुनाई दे रहा है कि डॉलर अब अपना सुप्रीमेसी लूज करने वाला है, बाकी करेंसीज टेक ओवर करेंगे, पर एक बात समझो ये कुछ डेकेड्स लगते हैं, 20 से 30 साल लगता है ऐसा कोई चीज होने के लिए। तो ये अभी शायद शुरुआत है, पर ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। पर ये लोग जो बोल रहे हैं इस पे एकदम ज्यादा बिलीव मत करना, बिकॉज आज भी गोल्ड सबसे ज्यादा यूएस के पास ही है। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है माइनिंग की? तो अभी जब भी हम कोई कमोडिटी बात करते हैं तो हमेशा कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आज अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो आई थिंक जो कॉस्ट है क्रिप्टो एक एक बिटकॉइन माइन करने का कुछ आई थिंक 8 to 9,000 डॉलर्स है। तो उसके नीचे अगर प्राइस चला गया तो एक्चुअली वो बिजनेस ही वायबल नहीं हो, बिजनेस करने का कोई सेंस नहीं है। सेम चीज गोल्ड में पर आउंस, ठीक है, 1 आउंस 30 ग्राम होता है। ठीक है, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 30 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ग्राम। 1 आउंस के लिए $1,200 का कॉस्ट लगता है। तो इसलिए गोल्ड की प्राइस जब भी 1,200 से नीचे जाएगी तो गोल्ड माइनिंग भी एक वायबल बिजनेस नहीं होगा। तो आप समझो $1,200 एक बार के लिए आपका बेंचमार्क है, क्योंकि उसके नीचे तो बिजनेस ही नहीं हो सकता, इसलिए प्राइसेस उसके ऊपर ही रहेंगे। ठीक है,
गोल्ड किधर यूज होता है आप सबको पता है कि ज्वेलरी में यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, डेंटिस्ट्री में यूज होता है, लोग दांत पे लगाते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से अगर कुछ गोल्ड की फिलिंग की जरूरत पड़ती है कोई भी बोन्स में तो वहां पे भी जरूरत पड़ता है, एरोस्पेस में जो रॉकेट्स और ये सब में भी जरूरत आता है गोल्ड का, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गोल्ड यूज करते हैं, फोन्स और ये सब में भी गोल्ड यूज होता है। मेन पर्पस ज्वेलरी है एंड इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे दो मेन पर्पस होते हैं गोल्ड के। एंड अब मैं आपको जो एक ये लाइन है अब दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये लाइन ट्रस्ट मी पूरे वेबिनार का सबसे टॉकिंग लाइन है, कि आज के टाइम पे हमारे पास 1,90,000 टन गोल्ड बचा है कि हमने माइन किया है अभी तक, ठीक है, एंड हमारे पास 50,000 टन और बचे इस पूरी दुनिया में जो माइन कर सकते हैं हम। तो आप समझो हर साल 1,000 टन माइन होते हैं, इसका मतलब अगर और माइंस नहीं मिलते गोल्ड के तो 50 साल में गोल्ड की पूरी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और कोई नया गोल्ड मार्केट में नहीं आएगा। तो अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हो, अगर एक चीज की डिमांड है और सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। तो अगर आप मान के चल रहे हो आज अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के हो एंड अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की अपने फ्यूचर के लिए, तो मेरे हिसाब से गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड 50 साल बाद जो प्राइसेस बहुत हाई होंगे यहाँ से तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड आज के प्राइसेस आपको बहुत सस्ते लगेंगे, ठीक है। तो गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही सुपर्ब इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखोगे जिसने भी गोल्ड को शॉर्ट किया एक लेवल के ऊपर वो उसके पैसे डूब ही गए, क्योंकि गोल्ड में इंट्राडे या अगर आप पोजिशनल शॉर्ट लेते हो 100-200 डॉलर के हिसाब से तो ठीक है, पर अगर आप ये सोचोगे गोल्ड की प्राइस नीचे ही जाने वाली है तो वो नहीं होने वाला, बिकॉज गोल्ड इस दुनिया का सबसे पहला एसेट है, तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो रेलेवेंस है वो हमेशा रहेगा, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना। फिर हम देखते हैं गोल्ड एज अ करेंसी कैसे बनी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है पर पता करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम में हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं नई हिस्ट्री बन रही है, पर उसके लिए वो समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्या था। तो गोल्ड और सिल्वर पहले मेटल्स थे जिसको लोगों ने करेंसी बनाई, ठीक है, गोल्ड पहला चीज था जिसमें लोगों ने बोला ठीक है, पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते थे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पर ये सिस्टम एक लेवल के बाद ऊपर नहीं गया क्योंकि लोगों को समझा कि ये हम हमारे पास हमेशा वो गुड्स या सर्विस नहीं होंगे तो सामने वाले को चाहिए, तो एक नई तरकीब निकालनी पड़ेगी, तब उनके पास गोल्ड और सिल्वर और बाकी मेटल्स एक ऑप्शन बने एंड वहां से लोग ने गुड्स एंड सर्विसेज गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में शुरू किया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि कंट्रीज ने अडॉप्ट करना शुरू किया कि गोल्ड और सिल्वर एक एसेट है। फिर 1970s में गोल्ड 1930s to 1970s के बीच गोल्ड बन गया करेंसी एंड उस टाइम में जब गोल्ड करेंसी बन गया तो यूएस ने सेट किया था कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 35 डॉलर्स, मतलब आप सोचो 30 ग्राम गोल्ड $35 का प्राइस था, ठीक है, एंड पूरी दुनिया में जिसके पास गोल्ड था सब अपना वैल्यूएशन ऐसे निकाल रहे थे, अगर उनके पास 10 आउंस थे तो उनको पता है उनके पास $3,500 थे, $350, ठीक है। तो इस तरह कर करके लोग अपना जीडीपी और सब गोल्ड के बेसिस पे अपना जीडीपी डिसाइड करते थे, अपना ट्रेड डिसाइड करते थे, ठीक है, और ऐसे कर करके गोल्ड करेंसी बन गया। अब गोल्ड एज अ करेंसी में कोई इशू नहीं था बिकॉज गोल्ड माइनिंग बहुत ज्यादा जल्दी भी हो रही थी और गोल्ड माइंस मिल रहे थे एंड एज अ करेंसी अच्छी खासी सर्कुलेशन हो रही थी, पर यूएस तभी 70s में बहुत ही फास्ट ग्रोथ पे था और यूएस को लग रहा था कि गोल्ड एक बार के लिए उनको एक प्रॉब्लम ये दे रहा है कि वो लोग ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि तभी क्या था अगर आपके पास गोल्ड है आप करेंसी प्रिंट कर सकते, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट निक्सन ने 1973 में आके गोल्ड को निकाल दिया, बोला अब गोल्ड एक हमारा करेंसी नहीं है एंड कोई भी यूएस ने एक फैसला लिया कि हम अभी जितना चाहिए हम उतना करेंसी प्रिंट करेंगे, ठीक है, हमारे पास गोल्ड एज एन एसेट नहीं है। बहुत लोग को आज तक ये नहीं पता है कि जो आपकी करेंसी आपके हाथ में है वो सारी बैक्ड बाय कोई एसेट नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक बैक्ड है, बाकी सब अगर आप देखोगे बाकी सारा चीज वो लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं बिना कोई बैकिंग बिना कोई एसेट के।
ठीक है, ये सुन के एक बार बहुत लोग डर जाते हैं कि यार हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू है कि नहीं। तो मैं एक बात सच बता दो, उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक गवर्नमेंट है जो बैक करी है एंड हम उस गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो करेंसी की वैल्यू है। अदरवाइज कोई ऐसा सच वैल्यू नहीं है, वो पेपर ही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि ये जब से यूएस ने शुरू किया, धीरे धीरे सारे कंट्रीज ने वो शुरू कर दिया। एंड 1990s के एंड में ऑलमोस्ट हर कंट्री खुद की करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। अब खुद की करेंसी प्रिंट करने के कोई एक्सेस प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपकी सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है टू अ पॉइंट जहां पे आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं रहे, तब इशू आता है। आप लोग सबने आई एम श्योर जिम्बाब्वे के बारे में सुना होगा। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इतना करेंसी प्रिंट किया, इतना करेंसी प्रिंट किया कि वो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। उनके एक टाइम पे 10,000 या 12,000 डॉलर में एक पैकेट ब्रेड आता था, तो आप समझो क्या लेवल का इन्फ्लेशन था। अभी आप देखो वेनेजुएला में भी ये इशू हो रहा है क्योंकि करेंसी की वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, एंड ये बहुत बार होता है। एंड एक सिंपल फैक्ट है कि हर फियाट करेंसी एंड में जीरो होती है, ये हिस्ट्री कहता है। कब होती है नहीं पता, बट हमेशा होती है। ठीक है, इसलिए लोग फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर में बहुत बिलीव करते हैं क्योंकि वो एक रियल एसेट है। ठीक है, अभी आप सोचोगे अगर सेंट्रल बैंक खुद करेंसी प्रिंट कर सकती है तो सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों खरीदती है? ठीक है, आम लोग गोल्ड खरीदते हैं समझ सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों खरीदती है? क्योंकि सेंट्रल बैंक को भी पता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे उनकी करेंसी पे लोग को विश्वास नहीं है तो उनको शायद वापस गोल्ड स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है अभी भी मार्केट में। एक इकोनॉमिस्ट ने आके कहा है कि अगर दुनिया वापस गोल्ड स्टैंडर्ड में जाती है तो गोल्ड की एक्चुअल प्राइस 3,500 डॉलर होगी आज के टाइम पे। तो अगर आप सोचो कि वो अगर उसके होने के चांसेस बहुत कम है, पर अगर वो हो तो आप समझो गोल्ड का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा ओवर में। ठीक है, तो ऐसे सब सिनारियोज अभी बात कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास एट दिस पॉइंट हम एक यूएस में बड़ा बैंकिंग क्राइसिस देख रहे हैं, जहाँ पे हमने एक वेबिनार भी किया था ये समझाने के लिए कि वेबिनार में कैसा बैंकिंग उधर काफी हद तक बहुत इश्यूज है एंड अब उन लोग कैसे सॉल्व करेंगे हमें नहीं पता। पर जब ऐसे इश्यूज आते हैं, जब लोगों को बैंक से भरोसा उड़ जाता है और लोग विड्रॉल लेते रहते हैं अपने बैंक से, तब लोग वो पैसे लेके आइडियली अपने पास रखते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या आजकल बहुत लोग क्रिप्टोज में भी पैसे रख रहे हैं बिकॉज उनको लगता है क्रिप्टो सेफर है नॉर्मल कैश। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक फियर है। इसलिए अगर लास्ट 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का गोल्ड मूव देखोगे जो 1,810 डॉलर से 2,000 हुआ, वो प्योरली एक फियर के ऊपर था। उसमें ना कोई फंडामेंटल फैक्टर था ना कोई टेक्निकल फैक्टर था, वो प्योरली डर था लोगों में कि अगर बैंक्स उड़ गए, अगर ये वापस 2008 का सिनारियो आ गया, तो सारा पैसा सेव करने के लिए उनको शायद गोल्ड में या क्रिप्टो में या सिल्वर में डालना पड़ेगा, इसलिए वो पूरा बड़ा मूव। ठीक है, मेरे हिसाब से गोल्ड वापस एक रिजर्व करेंसी बन सकती है अगर डॉलर जैसी, अगर डॉलर एज एन इंस्ट्रूमेंट नीचे आता है या अगर डॉलर की वैल्यू नहीं रहती है, फिर मेरे हिसाब से दुनिया वापस एक बार से गोल्ड के सिस्टम में जा सकती है। यूएस के लिए वो बेनिफिशियल होगा क्योंकि यूएस के पास गोल्ड सबसे ज्यादा है, तो यूएस अब ऑलवेज फेवर में नहीं रहेगा बट अगेंस्ट भी कंप्लीटली नहीं रहेगा। अगर उनको पता है कि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल के बियॉन्ड है तो शायद वो लोग ये कर भी सकते। ठीक है, तो अब हमने थोड़ा फंडामेंटल समझ लिया, अब हम समझते हैं कि गोल्ड में ट्रेड कैसे करें। एट द एंड हम ट्रेडर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें जानना है गोल्ड में ट्रेडिंग कैसी होती है। ठीक है, तो गोल्ड एक बहुत ही वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि एवरेज मूवमेंट 15 से 20 डॉलर होता है दिन का, एंड आपके मेन इश्यू ये होता है कि स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत हाई है। अगर आप SLTP लगा के ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि आपको वाइडर स्टॉप लॉस रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है शॉर्ट टर्म में। अगर आप गोल्ड की मूवमेंट अगर आप थोड़ी लॉन्ग टर्म में देखोगे मंथ्स के हिसाब से तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा, बट अगर आप डे ट्रेडर हो, आप हर दिन ट्रेड करते हो, तो गोल्ड की मूवमेंट समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है ग्लोबली। मैं हमेशा कहता हूँ दुबई में लोग इतना गोल्ड ट्रेड करते हैं कि अगर आप एक गोल्ड का ट्रेड लेके एक बोर्ड बाहर खड़े रख दो तो लोग आके 100 लोग आपको पूछेंगे कि आपका क्या आइडिया है इस ट्रेड के पीछे। उतना ज्यादा ट्रेडिंग गोल्ड में होता है यहाँ पे एंड पूरी दुनिया में भी होता है, बहुत ही स्पेक्युलेटिव है। देखो गोल्ड की एक ट्रेडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि जो गोल्ड ट्रेडर्स है
जो गोल्ड में खरीदी बेची करते हैं फिजिकल गोल्ड में, वो लोग अपना पोजीशन हेज करते हैं, एंड दूसरा है जो ज्वेलर्स है जो ये बेचते हैं वो लोग भी अपना हेज करते हैं पोजीशन, कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए तो उनके बड़े लॉसेस ना हो। ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत हाई है, ठीक है, गोल्ड में तो आपको कभी भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, आपको हमेशा इजिली आपको एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, और बहुत सारे एंट्री एग्जिट्स हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है गोल्ड के बारे में। अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स जो गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। नाउ इसमें बहुत लोग गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि डॉलर इंडेक्स देख लो और डॉलर इंडेक्स के हिसाब से गोल्ड ट्रेड कर लो और आराम से गोल्ड हो जाएगा, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप सिर्फ डॉलर इंडेक्स से ट्रेड करोगे तो गोल्ड में बहुत बार आपके ट्रेड गलत भी जाएंगे। तो अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते में जब गोल्ड ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया, डॉलर इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव था, डॉलर इंडेक्स उतना नीचे नहीं गया जितना गोल्ड ऊपर गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्टर है, डॉलर इंडेक्स सिर्फ एक फैक्टर है, बट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला एज आई सेड कि डॉलर इंडेक्स है तो बड़ा फैक्टर, एंड डॉलर की मूवमेंट से क्यों गोल्ड इंपैक्ट होता है, ये भी एक सवाल मुझे पूछा गया था कि डॉलर के और गोल्ड में क्यों ऐसा कोरिलेशन है। तो बात बहुत सिंपल है दोस्तों, कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, ठीक है, अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है टू ऑल दी अदर करेंसीज, बिकॉज हमारा डॉलर इंडेक्स बनता कैसा है, बाकी सारे करेंसीज का एक वेट लेके डॉलर इंडेक्स बनता है, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% वेट है यूरो का, फिर जीबीपी का कुछ 15% है, जेपीवाई का 15% है, एंड बाकी करेंसीज के थोड़े थोड़े और है, एंड वैसा करके डॉलर इंडेक्स का नंबर बनता है जो 102 आज आप देख रहे हो। ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है मतलब क्या है कि लोग डॉलर के एसेट्स में ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं एंड बाकी की करेंसीज में कम रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है एंड डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, तो मैं एज अ इन्वेस्टर अपना पैसा जो स्टॉक्स या गोल्ड में या सिल्वर में रख के उसके बदले मैं वो पैसे सीधा यूएस के एसेट्स में रखू, यूएस के बॉन्ड में रखू, यूएस के स्टॉक्स में रखू, एंड बाहर रखने का कोई फायदा नहीं। तब गोल्ड की वैल्यू भी हिट होती है और बाकी एसेट्स की भी वैल्यू डिप होती है। सेम चीज रिवर्स करो, जब डॉलर की वैल्यू वीक हो रही है तो मैं डॉलर के एसेट्स से पैसे निकाल के गोल्ड और बाकी एसेट्स में डालू। इसलिए डॉलर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पर ओनली इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, दूसरा है बॉन्ड यील्ड्स। यहाँ पे बहुत लोग चूक कर जाते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तो लोग समझते हैं बट बॉन्ड यील्ड्स कोई नहीं देखता है। अगर आप एक गोल्ड ट्रेडर हो, आपके पास दो चीज हमेशा खुला होना चाहिए, एक है डॉलर इंडेक्स, एक है US 10 ईयर। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि US 10 ईयर कौन सा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सेकंड, ये है US 10 ईयर, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। अगर आप ये देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये बहुत कम लोग देखते हैं, मैंने बहुत कम लोग को देखा है इसको यूज करते हुए, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एंड अगर आप देखोगे तो जो गोल्ड की मूवमेंट हुई है पिछले 1 महीने में, गोल्ड जिस तरह ऊपर आया है उसका एक और रीजन ये है कि ये डॉलर, ये जो बॉन्ड यील्ड है वो भी नीचे गिरे, एंड वो जब नीचे गिरते हैं बहुत बड़ी तरीके से, अगर आप देखोगे ये मूवमेंट, ये देखो बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे, जब गोल्ड 1810 पे था तब बॉन्ड यील्ड यहाँ थे, ये सीधा इधर आया ऑलमोस्ट 4.1% से 3.3%, एंड गोल्ड एक तरफ ऊपर गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स क्यों ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है एंड अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की क्षमता है आगे भी, तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर यील्ड ऊपर जाने वाला है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो हमें और पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो लोग यील्ड्स ऊपर जाते हैं, बॉन्ड्स की प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो लोग बॉन्ड खरीदते नहीं। अब क्या होता है कि जब गोल्ड की प्राइस और बॉन्ड का कैसा चलता है, अगर यील्ड्स नीचे जा रहा है तो गोल्ड के लिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज गोल्ड में पैसा आता है, पर अगर यील्ड ऊपर जा रहा है, अगर और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और यील्ड ऊपर जा रहा है, तो पैसा लोग गोल्ड से निकाल दें, बिकॉज गोल्ड एट द एंड गोल्ड भी एक रिस्क एसेट है, गोल्ड की भी एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न लोग एवरी ईयर एक्सपेक्ट करते हैं, पर अगर आपको बॉन्ड में ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं तो आप क्यों गोल्ड में डालो? जैसे ही बॉन्ड के यील्ड्स कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, गोल्ड में वापस एक अट्रैक्टिवनेस आ जाता है। इसीलिए बॉन्ड यील्ड समझना जरूरी है। अगर आपको सिंपल समझना है, सिंपल है, अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे जा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है,
गोल्ड ऊपर ही जाएगा, ये फॉर श्योर है। अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे ही आएगा फॉर श्योर। अगर एक ऊपर है और एक नीचे है तो फिर गोल्ड साइडवेज रहेगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट कोई साइड नहीं देगा। तो ये समझ लेना, और ये दो चीज DXY और US 10 ईयर, एटलीस्ट मैं तो 2 ईयर 10 ईयर 5 ईयर सब देखता हूँ। और अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो 10 ईयर देख लेना एंड डॉलर इंडेक्स, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है मार्केट सेंटिमेंट। तो अगर मार्केट में बुलिशनेस है, अगर मार्केट में लोग स्टॉक्स और ये सब के लिए बुलिश है, तो गोल्ड की मूवमेंट ये दो फैक्टर पे ही चलेगी, जो डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड। पर अगर लोग बेरिश है, अगर एक डर है मार्केट में कि स्टॉक्स और इंडेक्सेस गिरने वाले हैं एंड करेंसीज में भी बहुत वाइल्ड इम्पैक्ट आने वाला है, तो लोग अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक सेफ हैवन है एंड हमेशा पैसे उनके तरफ जाएंगे। तो लास्ट मंथ ये जो मैंने कहा गोल्ड का मूवमेंट था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट भी ऐड किया। इसलिए अगर आप देखो, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नीचे जा रहा था, बॉन्ड यील्ड्स तो काफी नीचे जा रहे थे एंड मार्केट सेंटिमेंट बेरिश था। तीनों चीज ने ट्रिगर किया एक बड़ा मूव गोल्ड में, ठीक है। एंड जिसने भी ये तीनों चीज समझा उसने कैप्चर किया, पर मेरे हिसाब से ये सबसे टफेस्ट मूव था कैप्चर करना है। एंड आई डोंट थिंक कोई भी, मैं बहुत कम लोग को जानता हूँ जिसने कैप्चर किया, एंड जिसने कैप्चर किया उसमें से काफी लोग थे वो थे जो हमेशा बुलिश है गोल्ड, तो उनके लिए इजी है। पर अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये मूव इतना फास्ट था कि समझना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। ऐसे मूव आते हैं गोल्ड में, तो अगर आप मिस आउट करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि और भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको बता चुका हूँ एक बड़ा रीजन है, इन्फ्लेशन भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ऊपर आ रहा है एंड इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है तो ओवरऑल गोल्ड पे एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन हाई है उतना गोल्ड का रिटर्न उसके सामने छोटा दिखेगा। इसलिए इन्फ्लेशन हमेशा, कोई भी रिस्क एसेट पे इन्फ्लेशन एक टाइप का रिस्क रहता ही है। एंड फिर आता है गोल्ड डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपको समझना है कि ज्वेलरी की डिमांड है, लोग आज भी ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो वो डिमांड अच्छी है। अगर लोग ज्वेलरी नहीं खरीद रहे या अगर लोग गोल्ड का कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, लोग क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो फिर गोल्ड के डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा। सप्लाई का तो मैंने आपको बता दिया कि कितना सप्लाई बचा है एंड कितना एवरी ईयर कितनी माइनिंग होता है, ये भी डेटा आपको इजिली मिल जाए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जो गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक तो आप मुझे पूछ सकते हो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सर, आपने एक डॉलर इंडेक्स का बताया और दूसरा कौन सा बताया? बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स। तो बॉन्ड यील्ड बेसिकली क्या होता है ना सर, कि अभी आपको पता है डेट डेट, अभी देखो आपको पैसे अगर रेस करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, इक्विटी है और डेट है, ठीक है। इक्विटी में हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी का स्टेक बेचते हैं और पैसे लेते हैं। डेट में क्या होता है कि हम उधार ले रहे हैं आपसे, ठीक है, हम आपसे उधार ले रहे हैं और वो उधार के लिए हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपका दो ही सोर्स ऑफ इनकम है, एक है टैक्स है, दूसरा उनका डेट है। वो लोग डेट कैसे रेस करते हैं, वो लोग अपने बॉन्ड्स बेचते हैं गवर्नमेंट की, तो US की जैसे 2 ईयर है, 10 ईयर है, 5 ईयर, 30 ईयर, हर ड्यूरेशन की, एंड वो आपको एक इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अभी जब गवर्नमेंट आपको बॉन्ड बेचती है, वो जनरली एटलीस्ट US की तो AAA रेटेड है, हाईएस्ट रेटेड, मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है, अच्छी रेट दे रही है, तो आपका पैसा मोस्टली लोग वही डालते हैं, ठीक है। तो आप अगर 10 ईयर में रखते हो, आपको हर साल 4.5 4.5% मिलता जाएगा जो अभी रेट है। एंड अगर आपको 4.5% हर साल मिल रहा है तो आप क्यों अपना रिस्क और कोई एसेट में डालोगे, स्पेशली US में जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट अब 4 4.5% है एंड आपका रिटर्न और मार्केट भी उतना ग्रेट अभी दिख रहा नहीं है, तो लोग सब बॉन्ड्स में शिफ्ट हो। तो बॉन्ड यील्ड इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको अगर चार्ट पे दिखा दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये गोल्ड का चार्ट है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा US की बॉन्ड यील्ड, ठीक है, ये मैं ऐड कर दूंगा, तो अगर आप क्लियरली इसमें देखोगे अभी कि जब भी गोल्ड की प्राइस, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं 1 ईयर चार्ट लगा देता हूँ, हाँ
यहाँ पे आप देखोगे जब गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है ये ऊपर जाता है, जब ये नीचे आता है गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, ये चार्ट की कोरिलेशन काफी अच्छी है, तो अगर आपको कभी भी लगे कि ये चार्ट कैसे होता है, आप बहुत सिंपल वे में देख सकते हो कि जब भी ये ऊपर जा रहा है, तो अगर आप देखो 2022 में पूरा साल ये ऊपर जा रहा है एंड गोल्ड पूरा साल नीचे आ रहा है। ठीक है, छोटे मोटे ऊपर मूव आया पर ओवरऑल नीचे था, यहाँ पे इसने टॉप किया एंड फिर ये नीचे आ गया, गोल्ड ऊपर चला। ठीक है, आई होप आपको समझा ये क्लियरली कि क्या मैं कहना चाहता हूँ पॉइंट यूज का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। ओके ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये चार इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, अगर आपको और कोई इंडिकेटर में भी कंफर्ट है आप यूज कर सकते हो, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, ADX और MACD, हमने ADX के बारे में बात किया है ऑलरेडी, बॉलिंजर आई एम श्योर आप लोग यूज करते हो, RSI भी सब यूज करते हैं और MACD भी काफी हद तक नोन है। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये चार इंडिकेटर यूज करके बाय सेल सिग्नल कैसे क्रिएट कर सकते हैं गोल्ड में, एंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अक्टूबर 2022 का। उसके पहले एक छोटा ब्रीफ, बॉलिंजर बैंड्स बेसिकली आपके मूविंग एवरेजेस के बैंड्स बनाते हो आप। ठीक है, तो आपका 14 दिन का मूविंग एवरेज लेके आप ऊपर और नीचे एक एक स्टैंडर्ड डिविएशन या दो दो स्टैंडर्ड डिविएशन के एक बैंड बनती है जिसमें प्राइस मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अभी अगर आप ये देखोगे तो ये बॉलिंजर बैंड है इधर बना हुआ एंड प्राइस इसमें मूव हो रहा है। इसका एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जब ये पास में आते हैं तो ये स्क्वीज होता है और प्राइस अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है, और अगर प्राइस एकदम वाइड चली जाती है, जैसे अभी प्राइस बहुत वाइड चली गई और बैंड बहुत बड़े हो गए, तो ये वापस भी प्राइस वापस आ जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ भी देख रहे हैं। दूसरा आपका है RSI, RSI तो आप सबको पता है इज द स्पीड जो जिस पे चलता है, तो अगर RSI अबाउ 70 है तो ओवरबॉट बोलते हैं, बिलो 40 ओवरसोल्ड बोलते हैं, बट बेसिकली RSI आपको एक स्पीड दिखाता है ऑफ द मूव। तो अगर RSI जल्दी ऊपर जा रहा है तो मूव फास्ट है, अगर स्लोली जा रहा है तो स्लो है, वो मेन आइडिया है। ADX मैंने आपको समझाया था हमारे वेबिनार पे, ADX बेसिकली आपका डायरेक्शनल इंडेक्स है कि आपको आइडिया आता है कि कितना फास्ट मूव है या कितना स्लो मूव है, तो वो आपको ADX के थ्रू दिखता है। ठीक है, तो ADX में वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ADX आप फॉलो करते हो तो आपको मूव कितना फास्ट है या कितना स्ट्रॉन्ग रैली है ये आपको ADX के थ्रू समझता है। और MACD एक सिंपल मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, जिसमें आपको इतना समझना है कि लाइन अगर 0 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, 0 के नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चार इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। मैं आपको भी बताता हूँ अक्टूबर 22 में क्या हुआ था। ठीक है, हम देख लेते हैं चार्ट में, तो ये हमारा दौर था अक्टूबर 22 के टाइम। ठीक है, अक्टूबर 22 के टाइम गोल्ड का प्राइस था 1610। ठीक है, एंड गोल्ड ने यहाँ पे अगर आप टेक्निकल्स में मानते हो तो ये ट्रिपल बॉटम मारा था 1610 के आसपास। ठीक है, 1620 से 10 के बीच, और यहाँ पे अगर आप देखोगे RSI आपकी ओवरसोल्ड थी 25 के लेवल पे, एंड अगर आप RSI में डाइवर्जेंस मानते हो तो देखो यहाँ पे RSI आपकी ऊपर जा रही थी। ठीक है, हायर हाई मार रही थी और प्राइस आपका लोअर सेम बॉटम बना रहा था, ये एक डाइवर्जेंस होता है। और जब भी ये डाइवर्जेंस आता है तो जनरली अगर RSI ऊपर जा रही है तो प्राइस भी ऊपर जाएगी, RSI नीचे जा रही तो प्राइस भी नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर कंफर्म कर रहा था कि ट्रेंड चेंज होने वाली है यहाँ से अपवर्ड्स, आपका ट्रिपल बॉटम भी बोल रहा था ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर हम चलते हैं MACD के तरफ, MACD अगर आप देखोगे तभी का, तो अक्टूबर 22 के टाइम MACD जस्ट यहाँ पॉजिटिव हुआ था। ठीक है, जहाँ पे आपकी ब्लू लाइन ऊपर आई आपके ऑरेंज लाइन से, और आपकी इधर आपके पास अक्टूबर से लेके नवंबर तक से नीचे आया, फिर वापस नवंबर से ऊपर आया। तो अगर आपको अक्टूबर में MACD ने बाय 8 दिया था फिर वापस सेल हुआ था, पर नवंबर में, नवंबर 4 तारीख के आसपास जो आपका यहाँ का डेट था 1620 के आसपास या 1650 के आसपास, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय दिया था MACD ने एंड यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट देखी। ठीक है, फिर चलते हैं ADX के आसपास, तो अगर आप ADX देखोगे
तो नवंबर में एडीएक्स ने भी एक दिया था कि यहाँ पे डाउन मूव खत्म हो चुका है, अप मूव शुरू होगा, एंड अप मूव के लिए सडनली आपकी ट्रेंड पॉजिटिव हो गई एंड स्ट्रॉन्ग होते गई नवंबर 17 तक, फिर थोड़ा वापस वीक हो गया। तो अगर आप देखोगे ये सारे इंडिकेटर्स साथ में आपको बाई सिग्नल दिए थे, एंड अगर आप ये मूव लेते, शायद यहाँ भी लेते, तो आपको इजिली एक 8 से 8.5% रिटर्न मिलता अगर आप ये सारे इंडिकेटर्स यूज करते। तो जो लोग कहते हैं टेक्निकल से गोल्ड में ट्रेड किया जाता है, ट्रेड फॉर श्योर कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए आपको कौन से इंडिकेटर से कंफर्ट है और कौन से इंडिकेटर्स कैसे देते हैं। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है गोल्ड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कि सारे इंडिकेटर साथ में बाई सिग्नल देते हैं, पर ये ऐसा मोमेंट आया था गोल्ड में, एंड जिसने भी तभी अक्टूबर में बाई किया अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, ऑलमोस्ट 25% अप है वहां के प्राइस से। ठीक है, तो ऐसे बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, छोटे मूव्स से तो आपको दूसरे तरीके हैं, बट मैं मेनली आपको बड़े मूव्स पे फोकस करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर आप डे ट्रेड करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होती है, वो आपके हिसाब से होती है। ठीक है, बट बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये टेक्निकल समझो और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले पाए। ठीक है, फिर हम चलते हैं फंडामेंटल्स पे कैसे ट्रेड लेते हैं। तो बहुत लोग को लगता है फंडामेंटल में तो ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं, फंडामेंटल से तो गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल्स बहुत लोग को तो पता ही नहीं फंडामेंटल्स क्या होता है गोल्ड, पर मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड के फंडामेंटल्स भी उतने ही अच्छे से यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे US 10 ईयर और डॉलर इंडेक्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे जब ये 1620 का रेट था तभी आपका जो 10 ईयर बॉन्ड है, ठीक है, US 10 ईयर बॉन्ड, वो यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा था। ठीक है, एंड आपका इधर जो डॉलर इंडेक्स है, याद करो, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा था। एंड अगर आपको ये चार्ट में कंफ्यूजन है, मैं आपको इंडिविजुअल चार्ट में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया आएगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्राउडेड लग रहा है। तो अगर आप देखोगे अक्टूबर 22 के टाइम डॉलर इंडेक्स कहाँ था, डॉलर इंडेक्स यहाँ था 113 114। अगर आप देखोगे तीन ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट फेल हुए थे एंड यहाँ से ब्रेक डाउन आया, पर अगर आप देखोगे काफी हाईस पे था एंड वहां से एक रिवर्सल आया जो चार्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था। एंड अगर आप US 10 ईयर देखोगे वो भी अक्टूबर 22 के अराउंड एक डबल टॉप मार के नीचे आ रहा था। ठीक है, तो फंडामेंटली जैसे मैं आपको समझाया कि हर चीज, डॉलर इंडेक्स 52 वीक हाई के आसपास, 10 ईयर हाई के आसपास, एंड डाउ जोन्स, अभी अगर आप डाउ जोन्स में भी मानते हो एक इंडेक्स भी बॉटम मार रहा था, तो अगर आप याद देख सकते हो कि अक्टूबर में डाउ जोन्स ने भी बॉटम मारा अराउंड 29-30,000, वहां से एक अप मूव आया। तो ऑलमोस्ट सारा कोरिलेशन बहुत सिंपल था कि गोल्ड बाय करना, सब इंडिकेटर्स एक्टिव थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेडिंग में हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं, अगर आपको सारे इंडिकेटर बाय बोल रहे हैं तो एज अ ट्रेडर आपका सिंपल ये है कि दबा के ट्रेड मारो एंड आप देखो, क्योंकि 9 out of 10 times आप पैसे कमाओगे, एक टाइम ऐसा होगा कि डिस्पाइट ऑल द कॉल्स उल्टा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मार्केट हमेशा रखती है, पर 9 out of 10 times आप बड़ा पैसा कमाओ। तो अगर सारे इंडिकेटर बाय दिखा रहे फंडामेंटली और टेक्निकली, तो एक बाय बनता ही बनता। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड्स मिस आउट मत करना जब आपको चांस मिले। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज बताऊंगा जो मैंने खुद बहुत साल ट्रेड करके ये ढूंढा है कि गोल्ड के कौन से नंबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये नंबर्स आपको बहुत रैंडम दिखेंगे, पर अगर आप देखोगे गोल्ड ये नंबर्स पे बहुत बार अटकता है। अगर आप देखो हमारा प्रीवियस सपोर्ट क्या था, अगर आप ये वाला लो देखोगे जो हमारा गोल्ड पे था, सॉरी, ये हमारा ऑलमोस्ट 1610 तक आया था लो पे। ठीक है, वो 10 का नंबर था, फिर हमारा जो अभी के जो लो जहाँ से बाउंस मारा वो 1810 था, हमारा प्रीवियस सपोर्ट क्या था 1910 जहां से ब्रेक डाउन हुआ। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड में। दूसरा है 35, अगर आप देखोगे अभी आपका पहला सपोर्ट है 1935, 1835 पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 1835 के ऊपर। ठीक है, लोग 1835 से 40 के बीच में भी बहुत अक्यूमुलेशन चल रहा था। 50 तो वैसे भी बड़ा नंबर होता है, फिबोनाची में भी लोग मानते हैं, पर 50 ओवरऑल एक बड़ा नंबर है, तो 50 पे हमेशा अटकते हैं। अभी भी अगर आप देखो कि रिसेंट रैली भी 1950 से ही वापस टर्न मारी है। फिर आपका है 65, तो अगर आप देखोगे तो
1865 भी बड़ा लेवल है, 1965 भी बड़ा लेवल है, एंड 1965 अभी जस्ट पार किया है, पर 1965 पे बहुत प्राइस अटका है। और आप देखो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अपना प्रीवियस हाई जो था गोल्ड का वो 1965 का था। यहाँ पे ये दिन अगर आप ट्रेड कर रहे थे, यहाँ का हाई FOMC के पहले NFP के पहले 1965 था। 80 है और 90 है, 1980 और 1990 भी काफी बड़े नंबर्स है, एंड देन होल नंबर्स तो आते ही है। तो अगर आप ट्रेड करते हो गोल्ड तो ये नंबर्स आपके ध्यान में रखना, बिकॉज ये नंबर्स पे पैटर्न्स 35, 50, 65, 80 और 90 पे हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट चेंज करता ही है गोल्ड, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आज का सिनारियो क्या है। तो अभी मेन हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि आज क्या लग रहा है, क्योंकि ये हम सबको जानना है गोल्ड आज क्या लग रहा है। तो अभी क्लियरली एक फियर है मार्केट्स में कि ओवरऑल रिस्क एसेट्स पे लोग पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, आपके स्टॉक्स और इंडाइसेस पे लोग अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल अर्निंग्स भी खराब आ रही है, खराब आने की और चांसेस है। तो लोग वो फियर में भी पैसे डाल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में। सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और सारे बड़े HNIs गोल्ड खरीद रहे हैं, सारे प्राइसेस पे खरीद रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि लो सब लोग जो प्राइस मिला खरीद रहे हैं। इंटरेस्ट रेट पीक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से ये साल इंटरेस्ट रेट हाइक ये साल की एंड तक खत्म हो जाएगा, एंड सारे सेंट्रल बैंक्स पॉज मोड पे या कट मोड पे चले जाएगी, वो पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। इन्फ्लेशन काफी हद तक नीचे आ रहा है जो बहुत ही अच्छा चीज है गोल्ड के लिए। रिस्क एसेट्स तो मैंने आपको बता दिया, और डॉलर भी अंडर प्रेशर है, जो मेरे हिसाब से काफी टाइम तक डॉलर थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा जब तक US के इश्यूज सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। और मेरा प्रेडिक्शन पर्सनली ये है, मेरा फोरकास्ट है कि गोल्ड का टारगेट मेरा खुद का $2,300 का है, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हर सिनारियों में ये साल में पैसे लोग डालेंगे गोल्ड पे, और उसकी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे हमने बहुत टाइम में नहीं देखा है, ठीक है। बिकॉज मेरी रीजन मैंने लिखा है कि सेंट्रल बैंक पॉज करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा, बॉन्ड यील्ड्स कम होंगे, बिकॉज जैसे ही इंटरेस्ट रेट का पीक हो चुका है तो बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर जाने की कोई क्षमता नहीं बचेगी और बॉन्ड यील्ड्स नीचे ही आएंगे, एंड ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों में पैसा जाएगा, पर गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा सिल्वर को इन अ बिग वे। वो मेरे हिसाब से वो ये है। अगले लेवल्स है 2090, 2190, 2300, तो ये लेवल्स आपके दिमाग में रखना जो आप ट्रेड कर रहे हो। सपोर्ट है 1935 और 1910 पे, 1910 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा। 1910 जब तक सपोर्ट है तब तक मैं बुलिश हूँ, एंड मेरे को लगता है तब तक मार्केट में गोल्ड के लिए प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है गोल्ड पे या गोल्ड के ट्रेडिंग पे, आप पे पूछ सकते हो। मैं अभी आपको चैट पे पूछना है, चैट पे पूछो या आपको अनम्यूट करके पूछना है वो भी पूछ। सर गोल्ड के अंदर अभी डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो 1935, 1935 और 1910 बहुत अच्छे सपोर्ट है, तो अगर आपने गोल्ड में अभी तक ट्रेड नहीं लिया है तो 1935 और 10 बहुत अच्छे लेवल्स है बाय करने के लिए। एंड उसके बाद, क्योंकि देखो अभी मेनली क्या हुआ ना गोल्ड में, एक जब गोल्ड में एक मूवमेंट बहुत बड़ा आ जाता है, अगर आप देखोगे ये जो मूव आपको मिला है, एंड मैं ये आपको बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया है बहुत ही जल्दी, उसके बाद थोड़ा सा आपको एक वापस एक ठहराव आता है, एंड वो अभी आपको देखने मिल रहा है। एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये 35-40 के बीच में प्राइस मैक्स टू मैक्स आ सकता है, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाएगा। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एंड एक और बड़ा मूव दे सकता है। तो 35 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट 10 उसके नीचे गया तो बुलिशनेस खत्म हो जाएगी, पर ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट है। 50 पे भी बाइंग थोड़ा कर सकते हो, बट ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर ही है। और कोई क्वेश्चंस किसी को पूछना है, कोई भी क्वेश्चंस? चैट पे क्वेश्चन है, इंडिकेटर में एक बार सर, इंडिकेटर तो इंडिकेटर हमारे मैंने बताया एक बॉलिंजर बैंड है, एक MACD है, एक RSI और ADX है,
ये चारों हम यूज कर सकते हैं। हम ये इंडिकेटर्स अगले हफ्ते के वेबिनार में एक एक करके इंडिकेटर भी हम ऐड करेंगे इन द वेबिनार, ताकि हमने ऑलरेडी एक दो इंडिकेटर डिस्कस किए, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में और इंडिकेटर्स भी हम डिस्कस करेंगे। पर ये पर्सनली मैं ये चार यूज करता हूँ। तो अगर इंडिकेटर पे डाउट है तो हम अगले फ्यू वीक्स में भी कर सकते हैं उसको। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चंस किसी को? ठीक है, आई गेस और कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन आज के वेबिनार अटेंड करने के लिए। आई होप आप लोग को काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिला। मैं चाहता था जितने लोग आ सके इस वेबिनार के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना फायदा होगा आपको। यानी आप जब ट्रेड कर रहे हो गोल्ड, तो आपको ये सारी चीज ध्यान में रखना। रिकॉर्डिंग आई एम श्योर आपको टीम दे देगी, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए इस वेबिनार की। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, एंड अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीक्षिता जी, थैंक यू हितेश जी, थैंक यू सो मच।